वेद का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, अपने अध्ययन श्रृंखला में हम सभी लोग इस बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में हम लोगों ने अभी तक दो लेक्चर में 2011 के पीजीटी के पेपर को सॉल्व किया है, उसको उसी रूप में देखा जिस रूप में पेपर आया हुआ है, और पूरे 125 प्रश्नों को हमने हल किया है। आगे उसी सीरीज में हम लोग आज सॉल्व करेंगे 2013 के पेपर के 50 क्वेश्चन, और अगले लेक्चर में आपको बाकी बचे हुए 75 क्वेश्चन मिलेंगे। मित्रों, आपको से दो बातें बहुत जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूं कि जल्दी से जल्दी फिलहाल आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि डॉक्टर एपी एजुकेशन के नाम का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, और पीजीटी शिक्षा शास्त्र की जो बुक, जो पीडीएफ आप लोग परचेज करते थे वो आपको काफ़ी महंगी पड़ जाती थी, इसीलिए वो अब बुक फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। सारा कंटेंट, मतलब आप शिक्षा शास्त्र से कहीं से भी आपका कोई रिश्ता है तो वो बुक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो बहुत ही जल्द वो भी लॉन्च होने वाली है। साथ में चैनल पर बने रहिए, प्रमोट करिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, और आपको आपके परीक्षा से संबंधित कंटेंट उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज के पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। तो ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कथन एक और दो का ये प्रश्न है, और कथन एक और दो में इसको हम लोग देखेंगे कैसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन से पूर्व, ठीक है भाई, संविधान संशोधन से पूर्व शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी थी, ठीक बात। फिर 1976 में शिक्षा को संघ सूची में हस्तांतरित किया गया, बिल्कुल बात सही है कि 42वें संविधान संशोधन 1976, तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा 44वां संविधान संशोधन है और कौन सा 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, कैसे याद, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 में, कब हुआ है 1976 में, तो याद कैसे रखोगे, तो कैसे याद कर लो, 4 4 8, ठीक, और 4 2 6, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। तो 42वें संविधान संशोधन से पूर्व शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल, जब संविधान 1950 में लागू हुआ था तब शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, और उसी समय आलोचना करने वाले शिक्षाविदों में, शिक्षा मंत्रियों में एक झिंगला साहब का वर्णन आता है, जिन्होंने ये बात कही थी कि संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को राज्य सूची में रखकर बहुत बड़ी भूल की है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर दी हुई है कि 42वें संविधान संशोधन से पूर्व शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी थी, और कथन दूसरा कहता है कि 1976 में, 1976 में शिक्षा को संघ सूची में हस्तांतरित किया गया, तो बिल्कुल ये ए और बी दोनों, यानी कथन एक और कथन दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय संबंधित है, बहुत सरल से क्वेश्चन है, पिछले 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, अरस्तु से, कमेनियस से, सुकरात से, तो रूसो से, सभी जानते हो आप सभी कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो रूसो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पहला विकल्प कहता है कि लचीला होना चाहिए, कि कठोर होना चाहिए, कि एक समान होना चाहिए, कि विषय केंद्रित होना चाहिए। तो यदि हम यदि हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो साथियों समाज में प्रत्येक प्रकार के लोग हैं, अलग अलग वर्ग, जाति, बुद्धि, तमाम विविधता के लोग रहते हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए जिससे उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के लेखक कौन है, तो अब इसीलिए मैंने आपको जैसा पेपर आया है वैसा ही आपको मैंने यहाँ सामने बता दिया, जिससे आप लोगों का जो कंफ्यूजन है, बहुत आप परेशान हो जाते हैं पेपर को सॉल्व करते समय कि कौन सा सही माने कौन सा गलत माने, तो यहाँ पर सारे कंफ्यूजन आपके सॉल्व होंगे, प्रयास यही रहेगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी के लेखक स्पेंसर हैं, अगस्त काम्टे हैं, जॉन डेवी हैं, या मैक्स वेबर हैं। तो मेरे साथियों, कोई भी ये चारों विकल्प गलत दिए हुए हैं, कोई भी इनमें से सही नहीं है, और आप सभी जानते हो। ठीक है, वैसे तो
प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी की एक पुस्तक जॉर्ज पैने की भी है, लेकिन यहाँ पर वॉल्टर रॉबिन्सन स्मिथ भी यहाँ पर सही होगा जवाब। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉल्टर ठीक रॉबिन्सन, ये आप अगर गूगल करते हैं तब मिलता है वैसे प्रिंसिपल ऑफ सोशल एजुकेशनल सोशियोलॉजी की एक बुक, जॉर्ज पैने की भी देखने को मिलती है। ठीक है, रॉबिन्सन स्मिथ की भी बुक यहाँ पर मानी जा सकती है। चलिए अगला क्या है, अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये तो मैंने आपको बाकायदा लिखाया भी है, इसीलिए जो नोट्स और जो बुक आपको आएगी वो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है। आप अगर अध्यापक भी हैं तो भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और पढ़ाने में भी आपको काफी फायदा होगा। अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है, तो थॉर्नडाइक से संबंधित है कि स्किनर से संबंधित है, गुथरी से संबंधित है कि आईपी पैवलाव से संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये पैवलाव महोदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसका विचार था कि बालक एवं बालिकाओं दोनों को संगीत, सैन्य अभ्यास तथा गृह कार्य सिखाया जाना चाहिए। तो इसमें प्लेटो है विकल्प में, जॉन डीवी है, अरस्तु है और महात्मा गांधी है। तो इनके अनुसार सवाल का जवाब होगा प्लेटो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर का, किसने बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए प्रस्तावित किया। ठीक, किसने बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए प्रस्तावित किया। ठीक है, तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया है, विश्वविद्यालय आयोग 1948, विश्वविद्यालय आयोग 1964, ये गलत है, शिक्षा आयोग होना चाहिए। ठीक है, ये टाइपिंग ये सब जगह हमको लग रहा है वैसे ही है, विश्वविद्यालय आयोग 1964 में कोई है ही नहीं, विश्वविद्यालय आयोग 1882 कोई है ही नहीं। ठीक है, सीधे मुदालियर आयोग 1952 में ये बात कही गई, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में 52-53 में ये बात यहाँ पर सुझाई गई है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि SITE का पूरा नाम क्या है। ठीक, SITE का पूरा नाम क्या है, तो सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंटरनेशनल ट्यूटोरियल एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और अगला है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपीरियंस। तो साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोबारा। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अचेतन मन के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम तकनीकी कौन सी है, अचेतन मन के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम तकनीक कौन सी है। तो वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ प्रक्षेपण या उपरोक्त सभी। तो इन तीनों में से अचेतन मन के अंतर्गत जो भी इच्छाएं हैं उनको जानने की, उनकी अभिव्यक्ति की एक बड़ा अच्छा माध्यम है हमारे पास प्रेक्षण विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड जिन्हें हम कहते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का आधारभूत क्या है, ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य है, कि व्यक्ति का विकास करना है, कि परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्रदान करना है, कि किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना है। तो मेरे साथियों, अगर व्यक्ति का विकास हो जाएगा तो उसे ज्ञान भी मिल जाएगा, उसे उसकी परीक्षा भी उत्तीर्ण हो जाएगी और वो व्यवसाय में तैयार भी हो जाएगा। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, सामान्य संभाव्यता वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में किसी प्राप्तांक के मध्यमान तथा, ठीक है, प्राप्तांक के मध्यमान तथा प्लस माइनस, ये थोड़ा यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्लस माइनस वन, प्लस माइनस यहाँ लगा लो, ठीक, प्लस और माइनस डेल्टा या सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच आने की संभावना कितनी होती है। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने जब कल, मैंने आपको कल भी ये चीज समझाई थी थोड़ा सा, कि अगर हम जब एनपीसी यहाँ पर बनाते हैं तो एनपीसी जब हम बनाते हैं तो हमारा ये क्या आ जाता है 50% और ये 10, 20 और 30 इधर और 1, 2, 3, ये हम इस तरीके से मानते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डेटा आता है, तो एक तरफ का जो डेटा है वो लगभग 34 दशमलव समथिंग होता है, तो इसीलिए 34 68 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 68 के आसपास का, ये डेटा बी
ठीक है, 68.3%, ठीक, 99.7%। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, 68.3% डेटा कवर होता है प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें प्रयास ये करिएगा कि तीनों आपको याद होने चाहिए कि प्लस माइनस 1 के बीच कितना आता है, प्लस माइनस 2 के बीच कितना आता है, प्लस माइनस 3 के बीच कितना आता है। सारी चीजें मैंने आपको चैनल पर पढ़ा रखी है, उसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, और आपको देखने में भी मिल रहा हो कितने ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक, और कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वो नोट्स बनता है। पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है किसके लिए? पूर्वाग्रह का विकास किसके लिए संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकरण और नगरीकरण और आधुनिकीकरण। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो सामाजिकरण के लिए इसे पूछा गया है, ठीक है। सामाजिकरण की यानी समाज के अनुकूल व्यवहारों को एडॉप्ट करने की व्यवस्था, जो हमारा एक प्रोसेस है उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। इसमें कभी कभी हमारा जो माइंडसेट होता है वो भी हमें सामाजिकरण करने में रोकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर का, कि क्रेस्मर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? क्रेस्मर और सेल्डन, ठीक, इन दोनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इन दोनों के वर्गीकरण का आधार शारीरिक गठन है। मूल्य किसका है? ये क्वेश्चन आपके पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया था कि यहाँ पर कौन आएगा, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, ठीक। तो आगे वैसे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है इसी व्यवस्था में देखेंगे। डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए की गई है। तो डाइट की स्थापना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग की स्थापना का सुझाव कब दिया गया है? तो ये भी आप जानते हो कि ये 1988 जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 सॉरी, ठीक है, उसमें उसके सुझाव के अंतर्गत है। और यहाँ पर कहा गया था कि किस स्तर के, पूर्व प्राथमिक माध्यमिक स्तर, प्राथमिक माध्यमिक या उच्च। तो डाइट की स्थापना कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु इन्हें तैयार बनाया गया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्राथमिक स्तर कहेंगे। अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि बुद्धि के विकास, बुद्धि के किस घटक पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता? तो जी कारक पर, एस कारक पर, जी और एस कारक दोनों, और किसी भी कारक पर नहीं। तो हम जानते हैं बुद्ध, ये स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका क्वेश्चन है, और यहाँ पर जी और एस दो भागों में बांटा गया है। जी कारक हमारी जन्मजात योग्यता है, और एस कारक जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारी अर्जित योग्यता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण का प्रभाव जी कारक पर नहीं पड़ता है, ठीक है। सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, वहां से आप इसका रिवीजन भी आपके लिए होता चला जा रहा है। अधिगम के संस्थिति सिद्धांत में जीवन विस्तार का प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख घटक कौन है? तो ये कर्ट लेविन का सिद्धांत है। इसमें कौन महत्वपूर्ण है, लक्ष्य, व्यक्ति, बाधाएं या शक्ति? तो यहां पर महत्वपूर्ण कौन है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त भूमिका का एक निर्धारक है? तो प्रदत्त भूमिका का एक निर्धारक कौन है? जन्म क्रम, व्यावसायिक परिस्थिति, रुचि और शैक्षिक उपलब्धि। तो यहां पर जो दी गई भूमिका है उसका एक बहुत बड़ा निर्धारक हमारा जन्म है, ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, फिलोसफी का क्या है, फिलोसफी किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो फिलियन प्लस, यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉन्ट चेंज होने में ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, यहाँ पर सब में क्या है, प्लस है, जानते हो आप लोग कौन सी, फिलियन प्लस सोफिया, फिलोदन सोफिया और फिले फी प्लस, ये सब फालतू चीजें हैं, ठीक है। कौन सा फिलोसफी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? फिलोदन सोफिया से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। आगे क्वेश्चन कहा गया कि अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो समान तत्वों का प्रतिपादन किसने किया है? तो समान तत्वों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया, स्पीयरमैन, कोहलर, जुड। तो किसने किया है, समान तत्वों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, ठीक। सामान्यीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताओ भाई जरा कमेंट में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र नहीं है? बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन तीनों है, नर्सरी स्कूल को फिलहाल नहीं रखा है विकल्प के आधार पर, ठीक। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है,
कि बालिकाओं की शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। क्यों क्यों भैया? क्योंकि कह रहे हैं कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। अच्छा, लड़कियां संख्या में कम होती हैं। अच्छा, पूर्व में लड़कियों से भेदभाव होता रहा, बहुत बढ़िया बात। केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन चारों विकल्पों के आधार पर लड़कियों की संख्या कम होती है, इसीलिए इनकी पढ़ाई की प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा ये मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह 16 PF 16 व्यक्तित्व कारकों में से किसी को भी प्रदर्शित नहीं करता? कौन सा? ई, के, एल और एन। तो यहां पर कैटल ने 16 PF का कॉन्सेप्ट दिया था। आप एक थोड़ा सा 2 मिनट का समय यहाँ पर लीजिए। कैटल का 16 PF का सिद्धांत है। इसमें ए से लेकर ई आई तक कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। कौन कौन 16 में से अल्फाबेटिकली ही अरेंज किया गया है, कौन से नहीं है? तो इसमें के नहीं है। और कौन नहीं है? तो ऐसे याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया भी है, डी, जे, के, पी, ये 4 फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन विकल्पों में से कोई, मान लो विकल्प बदल जाए, डी लिखा हो जाए तो डी भी नहीं है। डीजे के पी, ऐसे याद रखना, डीजे 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 डांस करते हैं ना आप लोग, तो डीजे के पी, डीजे के पी है ना, ऐसे याद रखना। चलो, 16 PF में कौन नहीं है? तो ये 4 नहीं है, डीजे के पी नहीं है। ठीक है, 16 PF और ई एल एन ये सब है, के यहाँ पर सही जवाब होगा। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक समस्या क्या है? तो मनोवैज्ञानिक समस्या तो बहुत सारी, कल्पनाशीलता का अभाव, नहीं अभाव तो कहाँ होता है, खूब होता है, स्थायित्व और समायोजन का अभाव, विषमलिंगी प्रेम का अभाव और समाज सेवा की भावना का अभाव, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें से यही एक मनोवैज्ञानिक समस्या, स्थायित्व और समायोजन की प्रॉब्लम बच्चों को रहती है। आगे का प्रश्न अगर हम देखें तो 24 नंबर में क्या कहता है, हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली का विकास किसने किया? तो कैटल के ही थ्योरी को हम लोग हाई स्कूल और ये तमाम नाम दिए जाते हैं, बहुत बवाल में पढ़ने की जरूरत नहीं। असंगत कथन की पहचान कीजिए। असंगत कथन, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है, विकास में वृद्धि सम्मिलित है, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कि वृद्धि में परिवर्तनों को मापा, ये भाषा यहां लिखा है, मापा व देखा जा सकता है। तो यहां पर कौन सी चीज सही नहीं है? तो आप, हम जानते हैं कि वृद्धि वो जीवन पर्यंत नहीं चलती, ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़े, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, कैसे आपको संपर्क करना है, सभी वहां पर कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है। मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकताओं का उत्तरोत्तर क्रम किसने प्रस्तुत किया? तो बहुत बवाल में नहीं पढ़ना है हमें, बस याद ध्यान देना है कि क्या है, कि नीड हायरार्किकल थ्योरी, आवश्यकताओं का उत्तरोत्तर क्रम किसने दिया? फ्रायड ने दिया, मैस्लो ने दिया, अल्पोर्ट ने दिया कि लेविन ने दिया? तो नीड हायरार्किकल थ्योरी दी गई है मैस्लो के द्वारा। बहुत बवाल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई बार आप इन प्रश्नों को हो सकता पढ़ चुके हो, आपने यूथ पब्लिकेशन की बुक सॉल्व की होगी, वहां पर आपको ये प्रश्न मिले होंगे, और इसी को हम लोग यहाँ पर रिवीजन फॉर्म में फटाफट कंप्लीट करते जा रहे हैं। किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? सत्यम शिवम सुंदर होने चाहिए। तो आदर्शवादी के अनुसार, मानववादी के अनुसार, आल्पोर्ट द्वारा या कर्ट लीविन के द्वारा? ठीक है, तो इसमें सही जवाब आप सभी जानते हैं क्या होगा, आदर्शवादी होगा। ठीक है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है, कि सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण। ठीक है, क्या हो गया भाई? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की प्रक्रिया है, बालक के सर्वोत्तम को बाहर लाने की प्रक्रिया है, कि बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो ये परिभाषा सैकड़ों बार पूछी जा चुकी है कि बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, किसने कहा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन, किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन पर विचार किया? तो किसने? जाकिर हुसैन समिति, राममूर्ति, हर्टॉग। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? हर्टॉग कमेटी होगा। ठीक, यहाँ पर कौन सी होगी समिति? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हर्टॉग कमेटी होगी। ठीक, हर्टॉग कमेटी यहाँ पर रहा होगा, ठीक, यहाँ पर नहीं होगा। हर्टॉग कमेटी के द्वारा सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन को परिभाषित किया गया।
यदि कोई शिक्षक किसी छात्र की प्रत्येक चौथी, बढ़िया प्रश्न है ये, किसी छात्र की प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर पुनर्बलन देता है तो वह निम्नलिखित प्रकार का पुनर्बलन दे रहा है। तो चार प्रकार के पुनर्बलन की बात हम लोगों ने कही है। परिवर्त में निश्चित अनुपात अंतराल या रूप यहाँ पर लिया लिखा गया है, निश्चित अनुपात, निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अनुपात या परिवर्तनशील अंतराल। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, दो बातों पर इसे, अंतराल और अनुपात की जब भी बात आएगी तो अंतराल किसका होगा, अंतराल हमेशा समय का होगा, किसका होगा, अंतराल हमेशा किसका होगा, समय का होगा, और अनुपात हमेशा नंबर ऑफ रिएक्शन का होगा। अनुक्रिया किसकी होगी, अनुक्रिया होगी हमारी की प्रतिक्रिया की, ठीक, प्रतिक्रिया की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर कितने हैं आपको दी जा रही है, ठीक, प्रतिक्रिया की संख्या की बात यहाँ पर की गई है, ठीक। तो यहाँ पर प्रत्येक चौथी अनुक्रिया, तो यहाँ पर क्या दिया गया होगा, निश्चित अनुपात, ठीक है, यहाँ पर अंतराल नहीं होगा, गलत मत करना, ठीक। प्रत्येक चौथी, तो जब भी समय की बात आएगी तो वो अंतराल होगा, और जब नंबर ऑफ रिस्पॉन्स की बात आएगी तो वो अनुपात होगा। भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक समाज में शिक्षा में धर्म का स्थान कैसा होना चाहिए? शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, अपने धर्म के अध्ययन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, या सभी धर्मों की शिक्षा? तो सभी धर्मों की शिक्षा, जनतांत्रिक समाज में शिक्षा में धर्म का स्थान होना चाहिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रति घंटा 2 मिनट सुस्त हो जाती है, इससे क्या प्रदर्शित होता है? कि घड़ी वैध नहीं है, घड़ी विश्वसनीय नहीं है, घड़ी विश्वसनीय है पर वैध नहीं है, घड़ी वैध है पर विश्वसनीय नहीं है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि विश्वसनीयता और वैधता का क्या प्रभाव है। तो घड़ी जो है वैध है पर विश्वसनीय नहीं है, क्यों, ये इसका जवाब होगा, क्यों नहीं है, क्योंकि घड़ी बनाने के लिए जितने भी नियम कानून चाहिए, ठीक, जितने एंगल कोण बनाना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें है, बट जो सेल की प्रॉब्लम होगी या कोई और मैकेनिज्म की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वो घड़ी बार बार सुस्त हो जा रही है, जिस वजह से इसके द्वारा दर्शाए गए समय में विश्वसनीयता नहीं है। कल इतनी टाइम 11:30 बज रहा था, आज इसमें 10:30 ही बजा हुआ है। तो इस वजह से इसके द्वारा प्रदर्शित किए गए मान जो है वो एक जैसे नहीं है, इस वजह से इसमें वैधता है परंतु विश्वसनीयता नहीं है। मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंप देने का सुझाव किसने दिया है? सारी चीजें बेहतरीन ढंग से मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, पूरे के पूरा पेपर आपको मान लीजिए नोट्स में मिल जाता है। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और हंटर कमीशन। तो सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के दायित्व को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882 द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक, आगे चले। चलिए भाई, बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 34th नंबर पे आते हैं। 34th नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी परिस्थिति सीखने की प्रक्रिया को सफलता के लिए सबसे अनिवार्य है? कुल मिलाकर के कौन सी परिस्थिति सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे अनिवार्य है? तो सीखते समय अवधान, ठीक, मतलब ध्यान होना चाहिए, सीखे हुए कार्य का अभ्यास, सीखने वाले का उच्च बौद्धिक, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल, हाई उच्च बौद्धिक स्तर, या सीखने वाले का। तो हम सभी जानते हैं कि सीखना अगर अभिप्रेरण है तो अभिप्रेरणा सीखने का राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, ठीक। इसीलिए जब व्यक्ति अंदर से अभिप्रेरित होता है तो वह सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है नैतिक शिक्षा प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, स्वावलंबन की भावना का विकास करना, और अगला है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो इन सभी चार विकल्पों में से सबसे बेस्ट आंसर होगा स्वावलंबन की भावना का विकास करना। यही आगे जाकर करके बेसिक शिक्षा की, जो बेसिक शिक्षा को महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर कहा है, और यही सार्जेंट कमीशन ने कहा कि आत्मनिर्भर नहीं हो सकती क्योंकि बच्चों द्वारा बनाए गए उत्पाद इतने क्वालिटी लेवल के नहीं होंगे कि ये मार्केट में बिकेंगे, और इस खर्चे से हम प्राइमरी एजुकेशन को थोड़ा चला पाएंगे, ठीक, इसमें राज्यों का सहयोग होगा तब जाके काम बनेगा, आगे पढ़ाएंगे आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर इतना समझिए कि बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, कि स्वावलंबन की भावना का विकास करना।
अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा को भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? अभी ऊपर भी मामला इसी पूछा गया है, तो संविधान की संवर्ती सूची में बिना समय गवाए हम लोग बात करते हैं 1976 में इसको सम्मिलित किया गया। परंपराओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? हाँ, तो परंपराओं में परिवर्तन यानी जो हमारे नियम कानून है इन सब में क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, अभौतिक परिवर्तन कहलाता है, सामाजिक गतिशीलता कहलाती है, या फिर क्षैतिज परिवर्तन कहलाता है। तो हम जानते हैं अमूर्त चीजों में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? अभौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो परंपराएं हमारी अमूर्त है, ठीक है, एक विचार है, हमारी मान्यताएं हैं, इन सब में जो परिवर्तन है वो अभौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का वर्ष है, तो 1950 है, 52 है, 53 है, 54 है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का वर्ष 1953 है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित कब किया गया? तो आएगा कब? 1956। कब पूछा गया है? 1956 में इसे अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं संचालित करने का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में है ये, किस आर्टिकल में है? 26वें, 30वें, 31वें या 21वें? बाकायदा मैंने आपको प्राथमिक शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान में सारी चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है कि इसमें बी विकल्प सही होगा। 30वें अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात है, वहां पर शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने या संचालित करने का अधिकार दिया गया है। और 10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाक से निपटाते हैं इनको। निम्नलिखित में से शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया। क्या नहीं प्रस्तावित किया गया? उत्पादन हेतु शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा, शिक्षा तथा प्रजातांत्रिक मूल्य। तो यहाँ पर शिक्षा के निजीकरण की यहाँ पर ज्यादा बात नहीं की गई है। शिक्षा की दृष्टि से बालक की आवश्यकता क्या है? तो शिक्षा की दृष्टि से बालक की आवश्यकता क्या है? मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता, मानवीय व्यवहार, समान व्यवहार, सह शिक्षा। तो जब आप कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार, तो उसमें सारी बातें सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी इसमें। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्सुकता पूर्ण व्यवहार से संबंधित संवेग है। हाँ बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया है ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है, 2011 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो उत्सुकता पूर्ण व्यवहार से संबंधित कौन सा? उल्लास, अचरज, डर, आनंद। तुम जानते हैं कि अचरज जो है उत्सुकता पूर्ण व्यवहार से संबंधित संवेग है। प्रयोजनवादी विद्यालय को इस रूप में देखते हैं, प्रयोजनवादी विद्यालय को किस रूप में देखते हैं? तो मानव निर्माण की संस्था के रूप में देखते हैं, बच्चों का बगीचा के रूप में देखते हैं, शांति का स्थान देखते हैं, या फिर समाज का लघु रूप मानते हैं? तो साथियों क्या होगा जवाब? आप सभी जानते हो कि प्रयोजनवादी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। जॉन डीवी चचा जो है इसके बहुत खास आदमी है। मूल्यांकन की तुलना में मापन कैसा है? तो मूल्यांकन की तुलना में मापन क्या है? अधिक व्यापक है, अधिक शुद्ध है, अधिक प्रयोज्य है कि कम विश्वसनीय है? वैसे तो यहां पर इन लोगों ने इसे कम विश्वसनीय माना है, लेकिन मूल्यांकन की तुलना में मापन जो है वो व्यापक तो नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, प्रयोज्य भी नहीं है, ठीक है, और कम विश्व, चलो ठीक है, यही सही है, कम विश्वसनीय कहो, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा को निवेश कहा जाता है, क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों को अधिक वेतन मिलता है। अच्छा, शिक्षा कर्मिकों की उत्पादन क्षमता बढ़ा देते, और शिक्षा जो वर्कर है उनकी उत्पादन क्षमता को, प्रोडक्टिव एबिलिटी को बढ़ा देती है। शिक्षित व्यक्ति विदेश जा सकते हैं, अरे वाह, शिक्षित व्यक्ति अच्छा पूंजी निवेश कर सकते हैं। तो वेतन शिक्षित व्यक्ति को ज्यादा मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है, भाई यही वाला सवाल का जवाब, बहुत इसमें बहस करने की जरूरत नहीं। इससे शिक्षा जो वर्कर है उनकी प्रोडक्टिव एबिलिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है, क्या कहता है कि आज के वैश्वीकरण के युग में शिक्षा को महत्व देना चाहिए? किस वैश्वीकरण की जब बात आ गई, तो राष्ट्रीय स्तर की बात आ गई है, व्यक्तिगत एकीकरण की, भावनात्मक एकीकरण की, राष्ट्रीय एकीकरण की, या अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की? जाहिर सी बात है, जब हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की है तो दैट विल बी पॉसिबल ऑन द
इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पर ही ये बेस होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 47th, सामाजिक परिवर्तन का घोतक क्या है। ठीक, सामाजिक परिवर्तन का क्या घोतक है? तो उद्विकास, पर्यावरण, समुदाय या प्रथा। तो सामाजिक परिवर्तन का घोतक क्या है? उद्विकास है, ठीक, इवोल्यूशन इसे हम बोलते हैं। चिंतन में प्रयुक्त भाषा संकेत क्या कहलाते हैं? तो चिंतन में जो हम प्रयुक्त भाषा संकेत क्या कहलाता है? श्रेणियां कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, वाक्य कहलाता है या प्रतिमाएं कहलाता है। चिंतन में प्रत्यय मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि चिंतन में कॉन्सेप्ट अगर अगर आपका क्लियर है तो यू विल मोर एबल टू थिंक। ठीक, आप बहुत अच्छे तरीके से उसे सोच विचार सकते हैं। तो चिंतन में प्रयुक्त भाषा संकेत क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की एक बीमा नहीं है? बीमा नहीं, बीमा, ठीक, बीमा होता है, डायमेंशन नहीं है। विषय वस्तु, तंत्र, क्रियाएं और उत्पाद। तो यहां पर हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इसमें गिलफोर्ड ने क्या क्या बताया है? विषय वस्तु बताया है, संक्रियाएं बताया है, उत्पाद बताया है, ठीक है, कंटेंट बताया है, प्रोडक्ट बताया है और प्रोसेस बताया है। तंत्र के बारे में कोई बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा की 10+2+3 अपनाने का सुझाव। ठीक है, 10+2+3 जो स्ट्रक्चर है वो किसने सुझाव दिया था? तो कोठारी आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, राधा कृष्ण आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो मेरे साथियों, सर्वप्रथम की अगर हम बात करते हैं तो 10+2+3 शिक्षा संस्था को सुझाने का, सर्वप्रथम सुझाने का सुझाव कोठारी आयोग द्वारा दिया गया है। ठीक है, और चूंकि ये कोठारी आयोग द्वारा दिया गया, अगर प्रश्न आ जाए कि लागू सबसे पहले किसके द्वारा किया जा सका प्रभावी रूप से, ठीक, तो यहां पर हमारे सवाल का कोठारी आयोग होगा। अगर यहां पर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लेता कि शिक्षा की 10+2+3 शिक्षा संरचना को सर्वप्रथम लागू करने का प्रभावी कार्य किसने किया, तो हमारा जवाब होता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक, लेकिन फिलहाल सर्वप्रथम सुधारने, सर्वप्रथम 10+2+3 की शिक्षा संरचना को सजेस्ट किसने किया था? तो कोठारी आयोग द्वारा इसे सजेस्ट किया गया था। तो आज हम लोग 2013 के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी बचे प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।